हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज के कुकिंग ब्लॉग में मैं आपके साथ एक नॉनवेज रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आप ये ब्लॉग ज़रूर एंजॉय करोगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो फिर चलिए आज के इंटरेस्टिंग कुकिंग ब्लॉग को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने रावस मछली ली है, ये 750 ग्राम है, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया था। और उस पर मैंने एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच नमक और थोड़ा सा हींग, ये सब लगा लिया है। और सबसे पहले मैं इसे अच्छे से लगा लूँगी फिश के टुकड़ों पर, और हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसे फ्राई करेंगे। और यहाँ पर मैंने मसाला पेस्ट बना लिया है, ये है 2 टमाटर का पेस्ट। उसके बाद ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसमें से हम 1 बड़ा चम्मच यूज़ करेंगे। ये है 2 प्याज का पेस्ट। उसके बाद ये है धनिया, ये हम काट लेंगे। ये है कुछ गरम मसाले, तेज पत्ते, काली मिरी, लौंग, दालचीनी, ये नींबू हम बाद में यूज करेंगे। यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले हैं, वो मैं आपको रेसिपी बनाते टाइम दिखा दूंगी। तो चलिए आज हम बनाते हैं बहुत लजीज बनने वाली रावस की करी, या फिर रावस फिश मसाला भी आप उसे बोल सकते हो। मछली के पीसेस को मैंने नमक और हल्दी अच्छे से लगा लिया है। तो फिर चलिए हम इसे फ्राई करते हैं। इसमें मैं डालूंगी 3 से 4 चम्मच तेल। मछली को बिना फ्राई किए भी आप फिश करी बना सकते हो। तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें एक एक करके मछली के पीसेस डाल देती हूँ। गैस की फ्लेम मैंने हाई रखी है, हाई फ्लेम पर ही हम इसे 2 मिनट फ्राई करेंगे दोनों साइड से। देखिए मछली को मैंने 2 मिनट अच्छे से फ्राई किया है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और बाकी बची फिश भी इसमें डाल देती हूँ। देखिए मछली के पीसेस मैंने फ्राई कर लिए हैं, अब चलिए हम मसाला बनाते हैं। इसी तेल में हम सारे मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं गरम मसाले डालूंगी, ये है तेज पत्ते, दालचीनी, काली मिरी और लौंग। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच हल्दी, और ये है प्याज का पेस्ट, ये मैं इसमें डाल दूंगी। इसको हमें 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है, प्याज का पूरा कच्चापन हमें निकाल देना है। देखिए प्याज अब फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी हम प्याज के साथ 2 मिनट फ्राई करेंगे। हर मसाले को फ्राई होने के लिए अपना अपना टाइम देना पड़ता है, तभी करी में अच्छा स्वाद आता है। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है। देखिए 2 मिनट अदरक लहसुन भी फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी टोमेटो की पेस्ट। और इसे भी तेल छूटने तक फ्राई करेंगे। टोमेटो पेस्ट 2 मिनट फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें ये होममेड मालवनी मसाला डालूंगी 2 चम्मच। सारे मसालों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही मैं जो बर्तन यूज करती हूँ, कैमरा यूज करती हूँ, उन सभी चीज़ों का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए। ये है फिश करी मसाला, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच। अगर आपके पास फिश करी मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह पर मटन मसाला यूज कीजिए, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है। और ये है गरम मसाला पाउडर, ये मैं डालूंगी 1 चम्मच। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक डालूंगी,
फिश को मैरिनेट करते टाइम हमने एक चम्मच नमक यूज किया था। रावस मछली बहुत ज्यादा टेस्टी होती है, उसकी करी बहुत अच्छी बनती है। अब देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है, मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसका पूरा कच्चापन निकल चुका है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी, जिस मिक्सर जार में मैंने मसाले बनाए थे उसी में मैंने पानी डाला है, ये लगभग 1.5 कप होगा, ये मैं इसमें डाल दूंगी। मैं इसमें और 1 कप पानी डालूंगी, आपको जितनी करी बनानी है उतना पानी आप यूज कर सकते हो। इसमें मैंने कुल मिलाकर 2 से 2.5 कप पानी डाला है। अब मैं इसमें नींबू का रस डालूंगी 1 चम्मच, आप इसकी जगह पर कोकम का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जितनी खटास आपको करी में चाहिए उतनी चीजें आप इसमें यूज कीजिए। अब हम इस करी को उबलने देंगे। करी में उबाल आने के बाद मैंने मछली के पीसेस इसमें डाल दिए हैं, तले हुए मछली के पीसेस। एक्चुअली मैं कैमरा ऑन करना भूल गई और अभी मुझे ध्यान में आया कैमरा ऑन नहीं है, तो फिर सॉरी वो मैं दिखा नहीं पाई। लेकिन ज्यादा कुछ नहीं, बस करी में उबाल आ चुकी थी और उसमें मैंने तले हुए मछली के पीसेस डाल दिए थे। अब मैं इसे 3-4 मिनट उबलने दूंगी, इसमें हम चम्मच नहीं डालेंगे। अगर हिलाना भी है तो बिल्कुल हल्के हाथ से हिलाएंगे और 3 से 4 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। इसे ढकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैंने इसका नमक चेक किया है, एकदम परफेक्ट है। और मीडियम गैस पर अब मैं इसे उबलने दूंगी। ये मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला। तीन चार मिनट मैंने करी को मीडियम फ्लेम पर उबाल लिया है, अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। हमारी रावस फिश की करी रेडी है। फिश को पकने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और वैसे भी हमने इसे पहले फ्राई किया था। आप बिना फ्राई किए भी इस करी में फिश को छोड़ सकते हो, वो करी भी बहुत अच्छी लगती है। उसकी रेसिपी मैं आपको अगले किसी वीडियो में जरूर दिखाऊंगी। ज्यादातर मराठी घरों में मछली को बिना फ्राई किए ही बनाते हैं, उसे डायरेक्टली करी में डाल देते हैं, वो भी बहुत अच्छी बनती है करी। तो फिर चलिए अब मैं आपको इसकी सर्विंग करके दिखाती हूँ। उससे पहले मैं इसे 10 से 15 मिनट स्टैंडिंग टाइम दूंगी, ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि ग्रेवी में थोड़ा सा थिकनेस आ जाए। बहुत से लोग वीडियो पूरा देखते हैं, उन्हें कुकिंग ब्लॉग पसंद भी आता है लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। उनके लिए मैं बता दूं, आपके लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो इसके लिए आप लाइक ज़रूर किया कीजिए, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। मम्मा ओ बिल्लू।